हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। वो है मैगी मसाला की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैगी मसाला की रेसिपी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैगी लिया है और छोटा सा टुकड़ा मैंने कैबेज का लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और एक मैंने हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और एक मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा मैंने हरी धनिया के पत्ते लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और एक मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैगी को उबालने के लिए। पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें मैगी को डाल देंगे। देखिए, पानी में हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है, अब हम इसमें मैगी को डाल देंगे। अगर मैगी को आप उबाल के बनाते हो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए, मैगी को पकते हुए 5 मिनट पूरा हो चुका है और देखिए कितना अच्छे से पक गया है। अब हम इसको पानी से छान के प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमने सभी मैगी को प्लेट में निकाल लिया है और कढ़ाई में बस इतना सा ही पानी बचा है। हमने पानी 1.5 गिलास लिया था, 1.5 गिलास में से बस इतना ही पानी बचा है। अब हम मैगी को साइड में रख देंगे और कढ़ाई को अच्छे से धो के फिर से इसे गर्म करके इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई को अच्छे से धो लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने डाल दिया है और ये अच्छे से गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब डालेंगे प्याज, इसको अच्छे से चला लेंगे। हल्का सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें कैबेज ऐड कर देंगे। देखिए, प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें कैबेज ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर फ्राई करेंगे। देखिए, इसको फ्राई होते हुए 2 मिनट पूरा हो गया है और ये हल्का सा ब्राउन भी हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। हम इसमें नमक थोड़ा कम डाल रहे हैं क्योंकि इस मसाले में थोड़ा सा नमक रहता है, इसलिए हम इसमें नमक थोड़ा कम ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। देखिए, सभी को पकते हुए 2 मिनट पूरा हो चुका है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैगी ऐड कर देंगे। इसको हमने पहले ही उबाल लिया था, अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अगर आप इस तरीके से मैगी बनाते हैं तो मैगी बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैगी मसाला बनकर तैयार है। अगर आप इस तरीके से मैगी मसाला बनाएंगे तो मैगी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।